फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोच नई रसोई वही। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है भिंडी दो प्याजा। तो आज हम इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए भिंडी दो प्याजा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये भिंडी है जो हमने इस भिंडी को अच्छे से वॉश कर लिया और अच्छे से सुखा कर इसको हमने ऐसे ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया। इसे हमें छोटे टुकड़े में नहीं काटना है, ये बात ध्यान रखनी है आपको कि इसे हमें ऐसे थोड़े से बड़े बड़े पीसेज में काटना है। और ऐसे ही जो अनियन होते हैं उसे भी हमें डाइस्ड कर लेना है, बारीक नहीं करना है। और टमाटर भी हमें ऐसे दो या तीन पीसेज में ऐसे काट लेना है। और हरी मिर्चें हैं, साबुत हरी मिर्चें हमें लेनी है। उसके बाद एक कढ़ाई में हमें ऑयल डाल लेना है, ऑयल थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डालना है हमें। तो मैं ये सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, ये मेरा पहले का यूज किया हुआ ऑयल है। आप जो भी तेल यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में जो सब्जियां हैं सूखी सब्जियां बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है और ये हेल्दी भी होता है। तो सरसों का तेल यूज करना है तो आपको तेल को थोड़ा ज्यादा पकाना पड़ता है, नहीं तो थोड़ी सी सरसों के तेल की इसके अंदर स्मेल आती रहती है। तो सरसों का तेल जब भी आप यूज करें तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि सरसों का तेल तब तक हमें पकाना है, थोड़ा सा ज्यादा गर्म करना, जब तक कि उसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, मतलब जब येलोपन है उससे वाइट ना हो जाए। तो देखिए हमारे तेल में से ऐसे धुआं आना स्टार्ट हो गया है, मतलब अच्छे से ये पक गया है। तो इसके अंदर हमें जो ये हमारी भिंडी है इसको हमें इसके अंदर डाल देना है। तेल के अंदर इन्हें थोड़ा सा सोटे कर लेना है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, हल्का हल्का से फ्राई कर लेना है। देखिए मैंने इसे 3-4 मिनट तक अच्छे से तेल के अंदर सोटे कर लिया है, हल्का सा मतलब इसे फ्राई कर लिया है। तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने ये भिंडी अपनी निकाल ली है। इसी तेल के अंदर हमें जो हमारी अनियन है वो भी हमें 2 मिनट तक फ्राई कर लेने हैं। तो अनियन बड़ी जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, तो बस इन्हें हल्का सा 2 मिनट हल्का हल्का इन्हें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें ये। तो देखिए मुझे इसे पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। तो ये भी हमें अब उसी प्लेट में निकाल लेने हैं। तेल के अंदर हम जो हमने टमाटर और हरी मिर्च की ये भी हम दोनों इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। देखिए ये हमारी फ्राई हो गई, इसे हम निकाल लेते हैं। अभी सारी चीजें अलग अलग थोड़ी थोड़ी फ्राई कर ली है, मतलब सोटे कर लिया है, इन्हें बहुत ज्यादा नहीं पकाया है। अब इसी कढ़ाई के अंदर आपको थोड़ा सा ऑयल और डाल लेना है। अगर आपके ऑयल कढ़ाई में ऑयल थोड़ा ज्यादा है तो आप रहने दीजिए, तो हम इसके अंदर मेरा ऑयल थोड़ा कम रह गया तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल लेती हूँ। तो इसे दोबारा से अच्छे से गर्म कर लेते हैं। दोबारा से भी हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया, तो अब इस तेल के अंदर हमें 1 चम्मच जीरा डाल देना है, थोड़ी सी इसके अंदर अजवाइन डाल देनी है। और जब ये अच्छे से चटक जाए तो इसके अंदर हमें चॉप किए हुए अदरक और लहसुन डाल देना है और इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से सोटे कर लेना है। इसके बाद हमें इसके अंदर ये चॉप किए हुए अनियन डाल देने हैं। तो मैंने एक बड़े साइज का अनियन लिया था, तो इसे भी हम अच्छे से भून लेते हैं। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो मीडियम गैस के ऊपर हमें इसे भूनना है। तो इस सब्जी के अंदर आपको प्याज और टमाटर की प्यूरी वगैरह नहीं डालनी है, आपको ये चॉपिंग करके ही डालने हैं, तभी सब्जी का टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। ये हमारे प्याज हैं जो अच्छे से भून गए हैं, तो इसके अंदर अब हम ये चॉप किए हुए टमाटर भी डाल देते हैं और इन्हें भी भून लेते हैं। तो देखिए मुझे टमाटर को भूनते हुए भी 2 से 3 मिनट हो गए और बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसके अंदर हम अब अपने मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं नमक। नमक की क्वांटिटी हमें थोड़ी कम डालनी है क्योंकि जो भिंडी की सब्जी होती है दिखने में ज़्यादा लगती है लेकिन बनने के बाद वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून नमक डाल लेते हैं, 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर,
एक चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और आधा चम्मच इसके अंदर हम गरम मसाला डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसके अंदर से तेल सेपरेट ना हो जाए। तो देखिए अब मसाले के अंदर जो भी हमने ऑयल डाला था वो सारा का सारा अब सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो जब ये इस स्टेज पे आ जाए तो इसके अंदर हमें जो ये हमारी फ्राई की हुई भिंडी है वो इसके अंदर हमें डाल देनी है। अभी हमें इसके अंदर अनियन ऐड नहीं करने हैं, तो पहले हम भिंडी को पकाएंगे। भिंडी के अंदर मसाला मिक्स करने के बाद सबसे पहले हम भिंडी को 5 से 7 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो प्लेट हम ढक देते हैं इसके ऊपर, उसके बाद हम अपनी बाकी की चीज़ें ऐड भी करेंगे। तो देखिए जब इसे भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर जो टमाटर और हरी मिर्च है हमारी वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अब इनको भी हम भिंडी के साथ में ही पका लेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। तो देखिए हमारे टमाटर को बनते हुए भी 2-3 मिनट हो गए हैं, तो अब हम गैस इसको ढक्कन उतार कर देख लेते हैं। तो ये देखने में अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब इसके अंदर हम अपनी जो प्याज है बचे हुए वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इन्हें हमें सब्जी के साथ में मिक्स कर देना। हमने प्याज सबसे लास्ट में इसलिए ऐड किया क्योंकि प्याज बहुत जल्दी भून जाते हैं, तो प्याज को हमें सबसे लास्ट में ऐड करना है। तो अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए और अच्छे से पका लेते हैं ताकि जितना भी अरोमा है सारा आपस में मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स अब हमारी भिंडी की सब्जी को बनते हुए टोटल 10 मिनट्स हो गए हैं, तो अब हम इसका ढक्कन उतार कर देख लेते हैं। वाओ, देखने में ही बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और सारे घर में इसकी खुशबू फैल गई है। तो हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए कितने अच्छे से हमारी भिंडी बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल भिंडी हमारी बनकर रेडी हुई है। कलर देखिए कितना अच्छा है। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अब तो देखिए मैंने ये सब्जी की प्लेटिंग कर ली है। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी सब्जी बनकर रेडी हुई है। तो आप भी जब भी घर में आपके गेस्ट आए तो इस तरीके से भिंडी की सब्जी बनाना, भिंडी 2 प्याजा, तो सब लोग आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। आपको अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आगे भी देख सकें।